नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो जागृत युवाज में। आज हम मिलेंगे लुधियाना में रहने वाली दो पंजाबन से जो ध्यान से रूबरू हुए बाय चांस। दोनों ने ही अपना पैशन सोशल वर्क में डिस्कवर किया और आज जन जन को ध्यान सिखा रहे हैं। वेलकम मेहर, वेलकम रशिम। थैंक यू, थैंक यू। सो मेरा पहला प्रश्न आप दोनों से ये है कि आप दोनों ने एक दूसरे को कब जाना और कैसे जाना? 9th स्टैंडर्ड में मिले थे, वी वर ट्यूशन मेट्स एंड ये BCM स्कूल में थी, मैं कॉन्वेंट से थी एंड देन वी वर लाइक देयर इज दिस एनर्जी कनेक्ट वी हैड एंड वी जस्ट बिकेम फ्रेंड्स एंड बेस्ट फ्रेंड्स इन एन इंस्टेंट। और वो बिगिनिंग थी, देन 11th 12th वी टुक डिफरेंट टीम्स, हम फिर अलग हुए, फिर हमारा कॉलेज सेम हुआ, हम फिर इकट्ठे हो गए। देन शी वाज डूइंग BA, आई वाज डूइंग BCom, स्टिल हम इतने क्लोज नहीं थे बट वी वर अगेन टुगेदर बाय डिवाइन यूनिवर्स। फिर हम अलग हुए, शी वेंट टू चंडीगढ़ टू परस्यू हर मास्टर्स, आई वाज इन लुधियाना एंड देन अगेन आई टुक द सेम डिग्री एंड वी अगेन कनेक्टेड थ्रू मास्टर्स डिग्री। तो वी वर मेंट टू बी टुगेदर, तो हम अलग हुए पर हम इकट्ठे होते रहे एंड वी नो एट टिल द एंड वेयर टुगेदर, वी आर लाइक सोल सिस्टर्स, सो द डिस्टेंस इन फिजिकल फॉर्म डजंट मैटर, वी आर टुगेदर लाइक अब तो इट्स मोर देन 10-12 ईयर्स हो चुके हैं। सो दैट इज हाउ वी मेट थ्रू अ ट्यूशन सेंटर, बट हियर वी आर। तो आप दोनों को ध्यान के बारे में पता कैसे लगा? सेप्टेम्बर इज माई बर्थडे मंथ, तो हम ऑब्वियसली बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो कुछ भी करना होता था तो एक दूसरे को बोलते यहाँ जाना है वहाँ जाना है। तो आई हैड प्लान्स फॉर माई बर्थडे मंथ कि इस हफ्ते जैसे चिल्ड्रंस होम जाना है, ऑर्फनेज जाना है, इस हफ्ते ओल्ड एज होम जाना है। तो वो ओल्ड एज होम वाला हफ्ता था संडे को, तो वी वेंट अलॉन्ग। तो ऐसे हमारे लुधियाना में जो वृद्ध आश्रम है मॉल्टन में, वेयर वी स्टे, तो वहाँ पर वृद्ध आश्रम वैसे हमारे घर से हार्डली 5 मिनट दूर है ये विवेकानंद पिरामिड जहाँ पे मेडिटेशन होती है, बट हमें पता ही नहीं था वो इतनी पास में। सो जहाँ जैसे हम लैंड अप हुए वो खुद में एक मिरेकल है या कोइंसिडेंस है। हमने जाना ओल्ड एज होम था, देयर दिस चेयर्स विच लेड टू राइट जाएंगे तो ओल्ड एज होम है, लेफ्ट जाएंगे तो पिरामिड आश्रम है, मतलब मेडिटेशन सेंटर है। सो वी समबडी सेड सीधा पौड़ियाँ चढ़ जाओ, मतलब इन पंजाबी के पौड़ी चढ़ जाओ। हमें लगा हमें लेफ्ट जाना है, जाना हमें राइट था, हम एंड वी टुक द स्टेयर्स टू लेफ्ट। तो हम वी लैंडेड अप, हम पिरामिड में आए अंदर, वो बाहर से इतना सुंदर है, इतना इट्स सो प्रिटी, इतना सुंदर गार्डन है, देन देयर इज दिस पॉन्ड जहाँ पे एंड देयर इज दिस सुंदर से पेड़ है। हमें लगा पता नहीं कितनी सुंदर जगह में हम आ गए कि ये क्या जगह है, हम पहुँच गए यहाँ पर। एंड देन बाय लाइक क्वेस्ट मेड अस कि ये जगह कौन सी, देन वी टुक अ राइड, हमें इतनी बड़ी बुद्धा जी की स्टैचू दिखा एंड लाइक वाओ। फिर समबडी गाइडेड अस के अंदर क्लास चल रही है, हम ऐसे कि कौन सी क्लास, हम कहाँ आ गए। देन हम अंदर गए, देखा श्वेता मैम क्लास ले रहे थे एंड मैम एज ऑलवेज वेलकम्ड अस विद ओपन आर्म्स के आ जाओ एंड जस्ट कम एंड सिट एंड ऑब्जर्व। तब उनकी क्लास ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड थी, बट वी वर मेंट टू गो दैट डे एंड मे मीट श्वेता मैम। तो ऐसे हम ध्यान वहाँ पहुँचे, मैम कह रही है मेडिटेशन क्लास ले रही हूँ मैं, आप भी आओ संडे के संडे, बच्चों की क्लास लेती हूँ मैं, ये 12:30 to 1:30 सेशन का टाइमिंग होता है। तो दैट इज हाउ वी बोथ टुगेदर लैंडेड अप एंड डेस्टिनी ब्रॉट अस टू मेडिटेशन सेंटर टुगेदर ऑल्सो। इंटरेस्टिंग। तो ध्यान से पहले की मेहर और ध्यान से पहले की रशिम कौन थी, कैसी थी वो? अब तो इतना याद भी नहीं, इट्स बीन लॉन्ग। तो अगर हम देखना चाहे डिस्टेंट बचपन, आई विश मेडिटेशन पहले मिलती तो बचपन भी बड़ा अच्छा होता। अनडाउटेडली इट्स बीन अमेजिंग, मम्मा पापा का पूरा प्यार मिला, बट एडोलेसेंट एज जो थी जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन आई थी, दैट वाज अ टफ, मेरे लिए वो बहुत टफ टाइम था वो 4-5 साल 12 to 16, बिकॉज 17 में तो वी गॉट टू नो अबाउट मेडिटेशन सेंटर। लॉट ऑफ चेंजेस, बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, मैं अनमैनेजेबल गुस्सा,
मेरी मम्मा के साथ नहीं बनती थी, कहते हैं कि वो एक एज होता है कि तुम ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, एक गैप बोलना शुरू कर देते हैं लोग के फ्रेंड्स भी यही कहते थे मेरी भी नहीं बनती, ऐसे लगता था बड़ा ही नॉर्मल चीज है यार मम्मी पापा के साथ ना बनना, और बड़ा ही गंदा फेस घर पे अगर इश्यू होता था ना, हाँ मेरी मम्मी भी ऐसी है मेरी भी ऐसी है, चल घर में तो सभी ऐसे है हमारे परिवार भी ऐसा ही है, तो थॉट प्रोसेस भी ऐसे चलने लग गया। हमें तो ये भी नहीं पता था कि थॉट्स में इतनी पावर है कुछ है कि हम खुद ही मैनिफेस्ट करी जा रहे बोल बोल के, कुछ भी नहीं पता था ये पावर ऑफ थॉट्स पावर ऑफ वर्ड्स, जीरो आइडिया ये मेडिटेशन के पहले में है, तो नो क्लू लेके अच्छा मैं जो भी बोल रही हूँ इसमें इतनी पावर है, मैं जो सोच रही हूँ इतनी पावर है, अगर लाइक आई यूज टू हेट माई फेस लाइक पिम्पल्स, वो एडोलेसेंस में पिम्पल्स भी आते कि वो हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं, अपने आप को इतना हेट करना कि मैं तो सुंदर ही नहीं हूँ, दूसरों से कंपैरिजन करके जीते रहना, दिस कंपैरिजन एंगर हेट्रेड जजमेंट, मेरी लगता लाइफ मेडिटेशन ना होती मैं पता नहीं कहाँ पे उधर ही जूझली होती, पता नहीं मेरी क्या ही रिलेशनशिप होती, मेरी क्या ही लाइफ गोल होता। सो वेरी ग्रेटफुल आफ्टर मेडिटेशन मेहर हिज समवन हुज हैप्पी गो लकी हुज हुज जस्ट पुटिंग आउट हर लाइफ कि मुझे ये चाहिए, आई एम वर्किंग फॉर इट, आई एम मैनिफेस्टिंग इट, आई एम गेटिंग इट, दिस इज द मेहर। सो रशिम आप कौन थे ध्यान में आने से पहले? थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। ध्यान से पहले आई वुड से हर टीनेजर हर एडोलेसेंट अनकॉन्शियस लिविंग में होता है, हम ध्यान से पहले अनकॉन्शियस लिविंग ही जी रहे होते हैं, एंड वंस यू स्टेप इनटू मेडिटेशन यू आर इनटू कॉन्शियस लिविंग। अगर हम अपने पंजाबियों की बात करें तो वी आर मोर इनटू लिव फॉर अ डे, लिव फॉर योर सेल्फ, एंजॉय द लाइफ, खाओ पियो ऐश करो, वी ऑल यूज टू डू दैट, वी यूज टू डू सोशल सर्विस, वी यूज टू डू खाओ पियो ऐश करो थिंग्स, वी यूज टू डांस, वी यूज टू सेलिब्रेट, बट देयर वॉज वन थिंग मिसिंग, इनर ब्लिस। आई वॉज नॉट हैप्पी फ्रॉम इन साइड बिफोर मेडिटेशन, एंड आफ्टर मेडिटेशन येस आई एम हैविंग दैट इनर ब्लिस। आप दोनों ने ही बहुत जल्दी ध्यान करना शुरू किया, तो एज ए टीनेजर आप दोनों की जिंदगी में क्या बदलाव आए ध्यान की वजह से? हमने एग्जैक्टली शुरू नहीं किया, हम लकी थे कि हमें ध्यान मिल गया उस एज में, बिकॉज अभी भी जब हम जाते हैं पिरामिड और हमें बहुत बड़े बड़े लाइक दादाजी या नानी की उम्र के लोग मिलते हैं ना, लाइक सो लकी यू आर कि तुम इधर अभी आ गए, तो अपनी लाइफ को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, हम आई नहीं है, हमें लाया गया पता नहीं कौन सी डिवाइन पावर ने। आई वुड से फिजिकल लेवल पे मेरी हेल्थ यूज टू मतलब बहुत अच्छी हेल्थ नहीं होती थी, फ्रीक्वेंट बीमार हो जाना, आई नेवर न्यू कि जो मैं सोच रही हूँ मेरी इलनेस वो क्रिएट उस चीज से हो रही है। ऑल थैंक्स टू लव योरसेल्फ हील योर लाइफ बुक पढ़ी, उसमें थोड़ी नॉलेज मिली, द ट्रांजिशन केम ओवर द टाइम। आई वुड से इनिशियली आई चेंज 360 टुक मी सो मेनी ईयर्स टू गेट द नॉलेज टू एक्सेप्ट टू नो, कभी ऐसा लगता था एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज है कि अच्छा जो मेरी लाइफ में हो रहा है वो मैं क्रिएट कर रही हूँ, ये सबसे बड़ा धक्का नहीं लगता? एक ना हमें आदत है तेरी करके ना मेरी लाइफ में ये हो रहा है, आपने ये किया वो हो रहा है, ये सोच को बदलने में इट टुक लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस कि अच्छा मेरे साथ जो हुआ वो मेरी रीजन था, वो मैंने ही मैनिफेस्ट किया जो मेरे साथ हो रहा है। तो दिस इज द बिगेस्ट चेंज आई वुड से कि ये सोचना ये थॉट प्रोसेस को चेंज होने में बहुत टाइम लगा कि मैं ही अपनी लाइफ की क्रिएटर हूँ, जो हो रहा है जो करूंगी वो मेरे हाथ में है, कोई और मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है। रश्मि आपकी जिंदगी कैसे बदली ध्यान से? As Meher said कि initially एकदम से instantly नहीं हुआ कुछ भी, over the years over the days I would say कि हर दिन एक न्यू डिस्कवरी होती है सेल्फ की, और हर दिन आई एम ग्रोइंग आई एम इवॉल्विंग आई एम चेंजिंग। आप कोई किसी पर्टिकुलर चीज को मेंशन करना चाहोगे जो आपने स्पेसिफिकली कोई बदलाव देखा अपनी जिंदगी में? मेरी लाइफ में अगर मैं बात करूं तो एक अंडरस्टैंडिंग आई है अपने आप को लेकर। मैंने सबसे बड़ा एक बदलाव ये देखा कि जब आप अपने आप को जान लेते हो ना, तो आपको अपने आसपास की सारी एनवायरनमेंट की समझ आनी शुरू हो जाती है। सो इट्स ऑल अबाउट गेटिंग विद इन। फिजिकली जब आप अपनी कॉन्शियस ब्रीदिंग के साथ होते हो तो आप बहुत डीप रूटेडली अपने आप को हील कर लेते हो थ्रू ऑल योर पास्ट कर्मास। तो विद द मेडिटेशन विद द अंडरस्टैंडिंग ये बात समझ में आई कि जब गुस्सा आए तो उसे डील कैसे करना है, सप्रेस नहीं करते हुए उसका वे आउट कैसे निकालना है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो मैंने अपने आप में देखा। तो मेहर आप एक सिख फैमिली से बिलोंग करते हो,
तो आपकी फैमिली को कितना टाइम लगा ये चीज एक्सेप्ट करने में कि आप ध्यान कर रहे हो? मेरे पापा वॉज इनिशियली उनको बहुत दिक्कत हुई कि इतना अच्छा, लाइक हमारे यहाँ ना बोलते हैं कि इतना अच्छा धर्म मिला है तो तुम क्यों इधर उधर भटक रहे हो. दैट्स द एग्जैक्ट वर्डिंग. आई स्टिल रिमेम्बर कि इफ यू बॉर्न विद सम रिलीजन फॉर सम रीजन, तो पापा हमेशा यही कहते थे कि यहाँ पे हमारा कोई इतने वो भी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर हमने फॉलो करना है कुछ. इट्स सिंपल कि गुरुद्वारे जाना है, अपना पाठ करना है. And that is the simplest way to connect to God when while you're shifting the path. तो पापा को बड़ी दिक्कत हुई initially कि कितने जा रही है, क्यों कर रही है, because we used to go to pyramid. And then it took us. I was lucky कि मेरे मामा totally supportive थे. She started coming along to pyramid. तो हमारे घर में we are three. We used to be back then four. Me, my sister, mama and papa. तो दो की मेजोरिटी होगी थी कि मेडिटेशन में, तो इतना कोई तभी इशू नहीं आया क्योंकि मम्मी मेरा बैकअप कर देती थी. ओवर द टाइम मेरी सिस्टर आ गई तो टोटली 3:1 हो जाता था. तो पापा को इतना फर्क नहीं पड़ता था, तब तो तीनों हो गई हैं. तो वो गुस्से में कभी बोलते थे तीनों पता नहीं की करी जा रही है. बट द फैक्ट दैट ही वॉज नॉट एनफोर्सिंग ऑन अस कि हमें सिखिज्म ही करनी है, बट ही वॉज गिविंग अस एक होता है ना ओवर पॉइंट की तो कंसिडर कर ले, तेरे पास इतनी अच्छी रिलीजन है तो क्या कर रही है. उनको तो मैं रिलीजन ही चेंज करी जा रही हूँ. तो इट टुक हिम टाइम टू अंडरस्टैंड कि रिलीजन ही वही है, इट्स जस्ट एन एडिशनल प्रैक्टिस टू हर लाइफ शी इज एडिंग ऑन. कि जैसे एक साइकिलिंग एक एडिशनल थिंग है शी इज डूइंग इन हर लाइफ, तो बस एक मेडिटेशन वो है. मैं कोई रिलीजन को सिखिज्म को बुरा नहीं कह रही, किसी को जस्ट एड ऑन. तो इट टुक हिम इयर्स टू अंडरस्टैंड कि हम मेडिटेशन एक नॉर्मल प्रैक्टिस है बंदे की लाइफ की, कोई रिलीजन चेंज नहीं है. रश्मि, आपने कोई अपने फैमिली के द्वारा या फिर फ्रेंड्स के द्वारा कोई रेजिस्टेंस फेस करा मेडिटेशन को एक्सेप्ट करने में? माय फैमिली हैज ऑलवेज बीन सपोर्टेड एंड वो सपोर्टिंग रहे हैं डे वन से एंड दे हैव सपोर्टेड मी. पापा बोलते थे कि ये उम्र नहीं है मेडिटेशन करने की, मेडिटेशन तब करते हैं जब आप अपने कामों से फ्री हो जाते हो, व्हेन यू आर डन विद योर फैमिली लाइफ योर ऑक्यूपेशन एंड है ना, जब आप पूरा अपना मेंटली स्ट्रेस फ्री हो जाते हो देन यू गेट इनटू दिस पाथ. तो दे यूज टू बी लाइक कि अभी क्या जरूरत है ये आश्रमों वगैरह के चक्करों में पड़ने की मेडिटेशन करने की, बट देन अगेन दे हैव एक्सेप्टेड मी. ऑल ऑफ देम हैव एक्सेप्टेड द पाथ आई हैव फॉलोड. तो अपने ध्यान को अपने फ्रेंड्स में कैसे धीरे धीरे स्प्रेड करना शुरू करा? हम दोनों एक्चुअली ट्रेंड सेटर कह लो हम होते थे. हम आउटगोइंग थे तो वी वर लकी कि हमारे दोस्त ऐसे थे तो सपोर्टिव थे. इनकेस मेरा ऐसे रहा आई नेवर एनफोर्स कि तुम्हें ऐसा ही करना है मैं कर रही हूँ. तो आई ऑलवेज पर ब्रिंग इन माई फ्रेंड्स कि आई ट्राई समथिंग वेरी गुड टू आई विश यू एंड आई वॉन्ट यू कि तू भी साथ में आके ट्राई कर. तो फॉर एग्जाम्पल हमें होता है ना बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट ट्राई करते हैं, खाना बड़ा अच्छा होता है, हम कहते हैं यार हमें तुझे भी मुझे वहाँ लेके जाना, उसका ना ये बड़ा अच्छा था. तो आई ऑलवेज डिड दैट ऑल्सो, बट एडिशनली आई मेड श्योर कि मैं अगर मेडिटेशन में जा रही हूँ मुझे इतने बेनिफिट्स हो रहे हैं बिकॉज एडोलेसेंस में सबको सिमिलर इश्यूज आ रहे हैं, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो मुझे था कि यार मुझे अपने जो क्लोज वंस है मुझे उनको भी ब्लिस देना है, मुझे उनको ये एक्सपीरियंस करवाना है. तो आई हैव मेड श्योर कि एक बार तो लेके जाना ही उनको मेडिटेशन सेंटर, उनको अच्छा लगे दे विश टू कंटिन्यू देयर वेलकम. बट अगर उनको नहीं आना है तो भी उनकी मर्जी है, बट आई मेक श्योर दैट दे कम एंड जॉइन मी इन दिस. सो हियर इफ आई वुड से इट वुड गो लाइक कि मुझे हमेशा से सेम लाइक मेहर, आई नेवर एनफोर्स देम बट आई ऑलवेज यूज टू मोटिवेट देम कि ऐसा करना है तो यू नो आई हैव फाउंड सम गोल्ड, आई हैव फाउंड सम डायमंड एंड यू शुड ऑल्सो नो अबाउट इट. तो जब आई रिमेम्बर जब हमने मेडिटेशन सीखी तो वी वर इन द सेम कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लुधियाना. तो वहां से हमने आई वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन. तो उस प्रेजिडेंटशिप में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपनी जो टीम थी पूरी उनको कहीं भी लेकर जा सकती हूँ फॉर वन डे. सो यहाँ पर आई वुड से पावर ऑफ थॉट को मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया. I always used to think कि it would be wonderful अगर मेरा सारा friend circle और जितने लोग मुझे जानते हैं वो मेरे साथ meditate कर पाए. तो the power of thought is so much that it really comes to reality. और उस power of thought ने उस चीज को manifest कराया and I took the opportunity and I took them to meditation center और हम सब ने बैठ के वहाँ meditate किया.
सो पंजाबीज में बहुत नॉर्मल है नॉन वेजिटेरियन खाना खाना, तो आप नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन कैसे शिफ्ट हुए? इसका रियल कारण मेडिटेशन ही कह लो। सो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन से हम दोनों हमारी फैमिलीज। दिसंबर में श्वेता मैम आस्क्ड अस कि ऐसे नेशनल सिंपोजियम है ऑन वेजिटेरियनिज्म, तो वी आई वुड शी सेड हर एग्जैक्ट वर्ड वाज आई वुड लव इफ यू बोथ कुड जॉइन मी, और हमने एक डांस परफॉर्मेंस देनी है वहां पर। सो वी वेंट फॉर दिस परफॉर्मेंस, दिल्ली गए हम एग्जैक्टली। तो वहां पे हम बैठे कि चलो अब जितनी देर हमारा डांस परफॉर्मेंस नहीं है सुन लेते क्या हो रहा है। एंड देन पत्री जी और जितने भी स्पीकर वहां आए थे, पहली बार हम पत्री जी को वहां मिले थे, तो वहां पे वो वाइब भी कुछ ऐसी थी और ही कुछ ऐसा था, हमें बड़ा गिल्ट होने लग गया कि हम कर क्या रहे इतने सालों से खाई जा रहे चिकन। एंड देन विद वैलिड रीजंस दे हैड कि चिकन खाना क्यों मना है, क्योंकि यूजली पीपल से चिकन खाना अगर कोई बोलते ना वेज बंदा कि चिकन मत खाओ अच्छा नहीं है, वो ये बोलता है अच्छा नहीं है तुम सही नहीं कर रहे हो, वहां पे हमें रियलाइज हुआ कि उसमें क्या एनर्जी जाती है उसमें क्या। एंड देन वी रियलाइज कि नो वी हैव टू लीव इट। ये मेरे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस है लाइफ का। जब हम नेशनल सिंपोजियम ऑन वेजिटेरियनिज्म में गए, तब आई वेरी विविडली रिमेम्बर पत्री जी हमारे सामने थे स्टेज पर, और पत्री जी ने बोला हाउ डेयर यू, ही लिटरली पॉइंटेड एट द ऑडियंसेस एंड ही सेड हाउ डेयर यू, इफ आई स्लैप यू विल यू फील हर्ट, ऑब्वियसली ईगो हर्ट हो यू उस वक्त। कहते हैं आपका क्या डेयर है कि आप किसी को खा लेते हो उनकी बिना परमिशन के। दैट वॉज द स्लैप ऑन द ईगो एंड इनवर्ड लुक टू वननेस। उस दिन आई टुक अ अफर्मेशन, आई टुक अ संकल्प कि नो मैटर व्हाट आई एम गोना गो बैक, आई एम नॉट गोना हैव इट। एंड आई एम सो 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 थैंकफुल टू पत्री जी दैट ही शोड अस दिस पाथ। सो आपके इस एक्सपीरियंस ने मुझे थोड़ा सा सेंट कर दिया है, थैंक यू फॉर दैट। आई रियली होप कि ये सुन के और लोग इंस्पायर हों वेजिटेरियनिज्म में कन्वर्ट होने के लिए। सो मूविंग ऑन, अभी हम एक फन सेगमेंट की ओर मूव करते हैं जहाँ पे हम कुछ गेम्स खेलेंगे। तो पहले गेम का नाम है नेवर हैव आई एवर। सो मैं कुछ चीज़ें मेंशन करूंगी, आपको बताना है कि आपने ये अपनी लाइफ में कभी करा है या नहीं। मेडिटेशन के बीच में खाने के बारे में सोचा है? We have meditated lot many times, so one day might have, might not. I definitely have. कभी like after work I'm very hungry. पहले मैंने टाइम फिक्स किया था, वो टाइम डिनर से पहले था, तो मैं बड़ी एक्साइटमेंट खत्म कर। कोई बुक को और अच्छे से समझने के लिए बार 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 पढ़ा है? कभी कभी एक ही बुक कितनी बार मीनिंग बता जाती है कितने कितने, तो यस समझने के लिए एग्जैक्टली टू नो मोर व्हाट दैट बुक इज ट्राइंग टू टीच अस, तो हाँ जी बिल्कुल पढ़ा। मेडिटेशन के बाद और फ्रीली एक्सप्रेस किया है खुद को? ऑलवेज क्लैरिटी मिल जाती है, इतनी खुशी है आपके मेडिटेशन अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस किया। यस पत्री सर से मिले हो और आपके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है पूछने के लिए, ऐसा कभी हुआ है? ऑलवेज कुछ होता ही नहीं है दिमाग में। आई स्टिल रिमेम्बर दिल्ली में सिंपोजियम में श्वेता मैम ने बोला फ्लूट मेडिटेशन थी रात को, और स्पेशल एक रूम में थी लिमिटेड लोगों के साथ। मैम कहते हैं बहुत लकी हो पहली बार मिल रहे हो, वो भी पत्री सर को रूम में भी मिल रहे हो, हैंडशेक भी किया। तो कहते हैं कुछ क्वेश्चन ना सोच के लग रहे हो, ऐसे जवाब में तुम्हें ऐसे आज मिल जाएगा। हम बड़े क्वेश्चन इकट्ठे करके बैठे हुए हैं एंड मेडिटेशन करके पत्री सर कहते पहले मेडिटेशन करेंगे, हमने कहा जी ओके डन हम कर रहे हैं मेडिटेशन। उसके बाद मेडिटेशन खत्म हुआ, हमें नहीं पता हम कौन सी दुनिया में है, हमारी जुबान खुली नहीं, दो तीन घंटे हमें पता ही नहीं लग रहा हम कहाँ पे हैं, तो पता नहीं कौन से प्लेस था, हमें एक दूसरे को बुलाने का भी मन नहीं किया। स्टिल रिमेम्बर हम चुप जाए अपने बेड में गए थिंकिंग और नॉट थिंकिंग, वो याद ही नहीं कुछ अलग ही दुनिया में। सो यस एंड इट्स हैपेंड अगेन ऑल्सो, जब वो लुधियाना में आए थे वी गॉट अनदर चांस टू आस्क अ क्वेश्चन, तब भी क्वेश्चन गायब हो गए थे।
आई स्टिल रिमेम्बर जब हम पहली बार पत्री सर को मिले तो वो मौना में थे एंड ही वॉज इन मौन. तो उन्होंने कुछ नहीं बोलना था बट ही मेड श्योर दैट ही टुक अ हैंडशेक एंड ही शुक हैंड्स विद एवरीबडी. तो ही वॉज शेकिंग हैंड्स, लाइन में सब आ रहे थे. तो व्हेन इट वॉज माई टर्न आई शुक हैंड्स विद हिम एंड ही नॉडेड, ही लुक्ड इनटू माई आईज एंड ही डिड लाइक दिस एंड आई वॉज लाइक ओवर द क्लाउड्स. ही सेड नथिंग, आई अंडरस्टूड नथिंग बट आई वॉज ओवर द क्लाउड्स. ही नॉडेड, यस दिस इज माई पाथ. दैट वॉज अ हिंट इनफ टू यू नो रीचेक कि यस दिस इज माई पाथ, आई एम गोना स्प्रेड मेडिटेशन. अपनी लाइफ में कोई चैलेंज फेस कर रहे हो उसका आंसर आपको मेडिटेशन में मिला है? आई हैव ऑलवेज. अब कोई और वे ही नहीं आंसर ढूंढने के, किसी में नहीं रिलाई करते. नो सोर्सेस, ओनली इनवर्ड सोर्सेस. यस ओके. सो हमारा नेक्स्ट गेम है रैपिड फायर. आपको बहुत जल्दी जल्दी आंसर देना है. आपकी फेवरेट सेल्फ लव एक्टिविटीज जो आप करते हो? अफर्मेशंस, मिरर वर्क, अफर्मेशंस. सिंस आप लोग विजन बोर्ड मेंटेन करते हो और ये मुझे पता है, तो आपकी टॉप 3 आइटम्स जो आपके विजन बोर्ड में है? आई वांट टू बी एन ऑर्गेनाइजिंग कंसल्टेंट, आई वांट टू गेट मैरिड एंड आई वांट टू ट्रैवल. ओके. टॉप 3 थिंग्स, स्प्रेडिंग मेडिटेशन, ट्रैवलिंग एंड अपलिफ्टिंग द वाइब्रेशंस. यस, meditation and vibrations uplifting of the planet, of the universe. एक ऐसी affirmation जो आप use करते हो? I love and approve of myself exactly as I am. Okay. I am conscious of my conscious self. कोई ऐसी book जो आप दोनों ने साथ पढ़ी है? साथ नहीं पढ़ी है, but एक book जो दोनों ने पढ़ी है, दोनों को बहुत प्यारी है, is that Secret of Karma. But we have read Secret of Karma. We have read Laws of Spirit World. बहुत सारी है, हमने सेपरेट पढ़ी है और हम दोनों ने पढ़ी है टुगेदर. मतलब शी इज रीडिंग ऑन हर एंड, आई एम रीडिंग ऑन माय एंड. कोई लाइफ चेंजिंग इवेंट जो आपने अटेंड करा हो? सिंपोजियम. उसके अलावा याद आई अगेन आई वुड से कि सिंपोजियम में जो हमने बुल्ले शाह की परफॉर्मेंस की थी ना, वी वर क्राइंग बट वी वर डांसिंग. इट वाज, आई वी कांट इवन एक्सप्लेन व्हाट दैट वाज. या इट वाज बेसिकली अ सूफी डांस जो हमने उनके लिए उनको अर्पित किया अपनी तरफ से, और वो जब सूफीनेस थी ना, दैट कनेक्टेड अस सो अमेजिंगली. रिमेंबरिंग इट, दैट वाज लाइफ चेंजिंग फॉर बोथ ऑफ अस. एक ऐसा इवेंट जो आपको अटेंड करना हो? न्यूटन सर का क्लास करते हैं 10th year में, वी विश टू अटेंड हिज क्लास. कोई भी हो जाए, वी रियली विश टू लाइक बी अराउंड हिम एंड गेट टू नो हिम, गेट टू लर्न फ्रॉम हिम. तो वी हर्ड अ लॉट अबाउट इट फ्रॉम श्वेता मैम, तो कुछ ऐसे तो हमें गाइड नहीं करेंगे, तो रियली विश के सम डे वी आर अटेंडिंग हिज क्लास. फॉर मी इट्स लाइक जो भी आते हैं आने दो, लिविंग इन द मोमेंट एंड इफ शी वॉन्ट्स अस टू अटेंड इट, आने दो, कोई बात नहीं, विद द फ्लो. तो आप दोनों को ट्रैवलिंग इतना पसंद है, कोई ऐसी जगह जहाँ आप दोनों साथ जाना चाहते हो? कश्मीर. बाली? बाली कहीं भी चले. अब मैं कुछ चीजें मेंशन करूंगी, आपको उनके बारे में एक वर्ड बोलना है. पहले मेहर बोल देंगी, उसके बाद रशिम. सोशल वर्क, एक्सपीरियंस. डांस, इश्क. एक्सप्रेशन. योर मेंटोर श्वेता, लाइफ गिवर, लाइफ गाइड. थैंक यू मैम. पत्री जी, गुरु. सोल फादर. मेडिटेशन, रियलिटी. ओके, वाओ, इंटरेस्टिंग. सो लास्ट राउंड, दिस इज कॉल्ड नो फिल्टर राउंड. एक ऐसा एडवाइस जो आप जनता को देना चाहोगे विदाउट एनी फिल्टर? लिव इन द मोमेंट,
जो चला गया उसने जाना था, जो आ रहा है वो जैसे भी करोगे आ जाएगा। क्रिएटेड लिव इन द मोमेंट, दिस मोमेंट इज द रियलिटी, बाकी सब इल्यूजन है। किसी को किसी की लाइफ में इंटरफेयर और सजेशंस मत डालो उनके बिना पूछे, बिकॉज एवरीबॉडी इज एट देयर परफेक्ट पेस इन देयर जर्नी टू वननेस। वाओ, वंडरफुल। तो हमने इन दो फ्रेंड्स के जरिए देखा कि ब्लेम गेम करना बंद कीजिए एंड अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए एंड वेजिटेरियन बनिए आज अभी इसी वक्त। थैंक यू सो मच हमारे साथ इतनी वंडरफुल जर्नी अपनी शेयर करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू फॉर हैविंग अस, थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ अस। लाइक हम कभी ऐसे थे, हम सोच भी नहीं सकते थे कि उस टाइम में हम यहाँ पे कभी बैठे भी होंगे, बट थैंक्स टू मेडिटेशन वी आर टुगेदर, वी आर एंजॉयिंग, वी आर लविंग आवर लाइफ, इट्स ऑल मेडिटेशन एंड पत्नी सर एंड श्वेता मैम एंड यू गाइस, लव यू, थैंक यू। ऐसे ही और युवाओं से मिलते रहिए और नई स्टोरीज को जानते रहिए जागृत युवाज के जरिए। तब तक के लिए बने रहिए पीएमसी हिंदी चैनल पर। थैंक यू।